श्रीराम समर्थ मार्च 11। अहंकार के त्याग से गृहस्थी की लाभ हानि सह पाएंगे। गृहस्थी परमेश्वर की प्राप्ति में कभी बाधा नहीं हो सकती। यह तो हम जानते हैं कि गृहस्थी में हमारा कई लोगों से विविध कारणों के कारण संपर्क आता है। माता पिता, पत्नी बच्चे, भाई बहन, अन्य नातेदार, मित्र, इतरे जन, इन सभी का उत्तम उपयोग करना चाहेंगे तो इन सभी से व्यवहार करते समय हम अपने सभी कर्म हरि स्मरण के धागे में पिरोने चाहिए। फलतः सबसे स्नेहमय संपर्क बना रहेगा। गृहस्थी सुखकारक होगी, कम से कम पीड़ादायक तो होगी ही नहीं। इन सभी से हमारा संबंध अभिमान अहंकार के कारण ही बिगड़ता है। अहंकार केवल धनवानों को ही होता है ऐसी बात नहीं, गरीब भी अहंकारी होते हैं। पुराणों में हमने पढ़ा है कि जब हिरण्यकश्यपु को भगवान ने पलथी में लेकर उसका पेट फाड़ना शुरू किया तो अभिमान के कारण उसका हाथ तलवार की ओर बढ़ा। साक्षात परमेश्वर सामने होते हुए भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया। अभिमान का कितना नशा होता है। गरीब लोग भी इस अभिमान के बहुत शिकार होते हैं। एक बार एक भिखारी किसी के द्वार के पास पहुंचकर भीख मांगने लगा। तब वह आदमी भिखारी से कहने लगा, अरे तुम्हें कुछ समझदारी है या नहीं? कुछ समय का तो ख्याल करो, समय असमय आते हो। तब वह भिखारी कहने लगा, भीख नहीं देनी है तो मत दो, जाओ जाओ, मुझे तुम्हारा अकेला का ही घर नहीं है, गांव में ऐसे 100 घर पड़े हैं। देखो अभिमान की जड़ें कितनी गहरी धसी हुई रहती है। अहंकार खेत में उगने वाली घास की तरह है, जिसकी जड़ें पूरी तरह काटने के सिवाय अच्छी फसल हो ही नहीं सकती। उसी प्रकार अहंकार पूर्ण नष्ट होने के बगैर कृपा की फसल आना असंभव है। कटहल काटते समय एक सावधानी बरतनी पड़ती है। हाथों को तेल लगाकर वह काटना पड़ता है और फिर उसमें से कोए निकालने पड़ते हैं। यदि तेल लगाएंगे तो हाथों को चेप नहीं लगता और कोए शीघ्र बाहर निकलते हैं। उसी प्रकार नामस्मरण करके गृहस्थी में व्यवहार किया तो अभिमान या विषय वासना का चेप नहीं लगता और परमेश्वर की कृपा के कोए जल्दी मिलते हैं। यदि यह अहंकार, यह देहाभिमान मिटाया तो गृहस्थी की लाभ हानि आसानी से हंसते हंसते सह पाएंगे। छोटे बच्चे वर्षा ऋतु में कागज की छोटी छोटी नावें बनाकर प्रवाह में छोड़ते हैं। उन छोटी छोटी नावों में से यदि कोई नाव बहने लगी तो हंसते हैं और डूब गई तब भी हंसते हैं। उसी प्रकार गृहस्थी का सुख दुख हंसते हंसते सहना चाहिए और यह सब नामस्मरण से ही सध सकता है। आज का मुख्य विचार, नामस्मरण का मतलब है तुम हो मैं नहीं हूँ की स्थिति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।